नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई 2019 टेंथ रिजल्ट के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ ही दिन रह चुके हैं जो हमारे एग्जाम हैं वो स्टार्टिंग होने वाले हैं, तो बस उनके लिए अपडेट लेके आया हूँ। जो इस साल का जो एग्जाम होने वाला है उनका जो मार्किंग स्कीम होगी वो चेकिंग कैसे होगी। जी हाँ दोस्तों, न्यू अपडेट आया है बोर्ड की तरफ से, उसके बारे में वीडियो बनाया मैंने, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मेरे लिए आपको नहीं पता होगा, आपके एग्ज़ाम के बारे में बता दूँ, जो टेंथ के एग्ज़ाम हैं 21 फरवरी से 29 मार्च, मोस्टली प्रॉब्ली आपको कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और ट्वेल्थ के 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक पेपर होने वाले हैं। जी हाँ, मेन इम्पोर्टेंट बात, इस साल 28 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। यहाँ 28 लाख बच्चे टेंथ और ट्वेल्थ के पेपर दे रहे हैं, तो इस और कंपटीशन बहुत होने वाला है। लेकिन इसमें कोई ऐसी दोराई वाली बात नहीं है कि कुछ ही परसेंट बच्चे पास होंगे, लेकिन जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड सबको मोस्ट प्रोबेबली सबको पास कर देता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। चलिए वीडियो को बस लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मैं लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूं अपनी गवर्नमेंट जॉब्स व इन सीबीएसई वगैरह सबके लिए। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपको दे सकता है सब्जेक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर मार्किंग स्कीम। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास टेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ट्वेल्थ का भी नोटिफिकेशन पड़ा मेरे पास। अगर आपको ये आपको चेक करना है अपना क्वेश्चन पेपर कैसे क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वो मार्किंग स्कीम आपको खुद चेक करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप सीधे क्लिक कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। टेंथ में आप हैं तो आप टेंथ पे क्लिक कीजिए टेंथ के लिए, और ट्वेल्थ में हैं ट्वेल्थ का करना है तो आप ट्वेल्थ में कीजिए। दोनों के लिंक दे रखी है मैंने, अलग अलग लिंक दी है, तो आप दोनों दे सकते हैं, मेरे पास दोनों पड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये टेंथ का है और ये आप देख सकते हैं ये ट्वेल्थ का है। ये देखिए दोस्तों, 12th सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम। ये देखिए, यहाँ पे आपको सारी सब्जेक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम मिल जाएगी। तो मैं आपको बस मेनली आपको ये बताने वाला हूँ इसमें आपको जो पेपर होते हैं वो किस बेसिस पे चेक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे 10th ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, 10th का मैथमेटिक्स का पेपर, यहाँ दोस्तों मोस्ट प्रॉब्लम सब बच्चों को मैथमेटिक्स में आती है, तो मैथमेटिक्स का पेपर मार्किंग स्कीम पेपर किस तरह से चेक होता है, क्योंकि तो आपको लगता होगा कि आपका जो आप एक क्वेश्चन करके आए उस क्वेश्चन आपका मान लीजिए सही नहीं हुआ, लेकिन उसके भी आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप देख सकते हैं किस तरीके से। आपको टीचर में अपनी क्लास में टीचर ने भी बताया होगा कि किस तरीके से पेपर चेक होते हैं, तो ये मार्किंग स्कीम पेपर चेक कर लीजिए। ये देखिए, मैथमेटिक्स का मैंने आपसे बोला है तो मैथमेटिक्स ही दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स। जी हाँ, सैंपल क्वेश्चन पेपर मार्किंग स्कीम, सैंपल क्वेश्चन पेपर आप खुद चेक कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम के बारे में बात करूंगा तो आप मार्किंग स्कीम देखिए। ये देखो दोस्तों, मैंने मार्किंग स्कीम खोल दी है, क्लास 10 मैथ्स मार्किंग स्कीम 2018-19, मैक्सिमम 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 महीने टाइमिंग मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, तो इसमें 1 मार्क का है तो आपको सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपने आधा मार्क्स आपको सॉल्व करने का, आधा मार्क्स आपको आंसर आने का। इसमें भी देखिए, आधा मार्क्स आपने सॉल्व किया उसका, आधा मार्क्स आपको आंसर आने का। जी हाँ दोस्तों, जितने भी बच्चे जो होते हैं सॉल्व कर लेते हैं, आंसर नहीं आता है, आंसर गलत आता है, तो उसको क्वेश्चन तो उनका आधा नंबर जरूर मिलता है, या फिर वो क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो 1 नंबर जरूर मिलता है। दोस्तों मैं आपसे सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप अगर मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिए, तो कुछ ना कुछ मार्क्स, आधा मार्क्स, 1 मार्क्स, कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेगा। मेनली प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देता हूँ, लेकिन को ये नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। और क्वेश्चन नहीं भी आता है, एक बार उसको अटेम्प्ट कीजिए, जो फॉर्मूला जो भी चीज़ आप जो भी आपने सीखा है उसको अटेम्प्ट कीजिए, भले आपका आंसर सही नहीं निकल रहा है लेकिन आप जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैथ का पेपर जो होता है लेंथी होता है, सबको पता ही होगा 27 से 28 क्वेश्चन समथिंग अराउंड इतने क्वेश्चन आते हैं,
तो आपसे यही राय होगी मेरी, आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए मोस्ट प्रोबेबली, और सबसे पहले जो आप क्वेश्चन आपको सही आते हैं उनको अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको अटेम्प्ट करें, लेकिन आपको अटेम्प्ट सारे करके आने हैं। उससे ये होगा फायदा कि आपको मान लीजिए जो क्वेश्चन आप जो आपको आता है वो तो सही होगा ही होगा, जो आपको नहीं आता है उसका भी आपको आधा या एक मार्क्स मिल सकता है अगर आपने कुछ ना कुछ उसमें सही किया है। तो ये होता है मार्किंग स्कीम, यही मार्किंग स्कीम के अंदर होता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये देखिए ये एलओसी डिवीजन 11 का सेकंड शीट का पेपर है, तो इसमें देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1/2 × 6 3 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी, तो 6 स्टेप्स हैं आप देख सकते हैं, तो हर स्टेप का आधा मार्क्स है। बाई चांस आपका एक स्टेप गलत हो गया तो आपको ये जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पर 200 हाफ मार्क्स मिलेंगे। आप ये बेचिंत रहिए कि आपको लास्ट में अगर आंसर सही नहीं आता है, बीच में सही आपने सही कर दिया है, तो आपको इसमें से 3 नहीं तो 2 या फिर 1 नंबर जरूर मिलेगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, आपकी जो मार्किंग स्कीम होने वाली है, पेपर सीबीएसई अच्छे से कनेक्ट कराती है, वो मार्किंग स्कीम इसी वजह से फॉलो करती है कि बच्चे जितने भी हैं हमारे पास हो जाएं। तो आपको पास नहीं होना है, अच्छी परसेंटेज लानी है। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट कीजिए नीचे, और आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो उसमें देख लीजिए, आपको नीचे यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे सब्सक्राइब बटन के नीचे यहाँ पर एक एरो आ रहा होगा, उस पर एरो पर क्लिक कीजिए, तो नीचे आप ऊपर करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आपको शो हो जाएगा, वहीं पे आपको लिखा होगा 10th डाउनलोड मार्किंग स्कीम, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर कैसे भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ दोस्तों। चलो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।